39. I think we had discussed last lecture तक दो लॉज. पहला लेवर्सियर लैपलस लॉ इन्वर्शन के साथ साइन ऑफ डेल्टा एच गेट्स रिवर्स. दूसरा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट समेशन. नो मैटर बाय विच रूट वी गो द नेट चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट हैज टू बी सेम. That is from same reactants, whether we go by a one step process or whether we go by via multi step processes, we are going to have same net change in enthalpy, and that is what we calculated in various cases. Okay. अभी थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ में वी आर गोइंग टू रिलेट इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी चेंज विथ एन्थैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन. ठीक है. नाउ हाउ वी डू दिस इज सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मे बी गिविंग अस या फिर लेट अस टेक इट लाइक दिस CH4 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस प्लस H2O मे बी गैस और लिक्विड. जनरली लिक्विड हाई टेम्परेचर करेंगे तो गैस रहेगा. नाउ इस प्रोसेस का अगर मुझे कम इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई ऑफ दिस रिएक्शन एंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन डेल्टा यू डेल्टा ई और डेल्टा यू डेल्टा यू. ठीक है. एंड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन को अगर मुझे रिलेट करना है तो आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग. डेल्टा एच इज गोइंग टू बी बेसिकली हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो यही होता है एच इज इक्वल टू ई प्लस या यू प्लस पी वी. राइट. सो डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी. And this delta PV, if these gases are going to behave ideally, ठीक है, gases are going to behave ideally, and solid liquid के अंदर में delta PV work जो होता है ना, solid and liquid के अंदर में delta PV जो है, this delta PV, this change is quite small, or almost negligible. This particular thing is quite small for solids and liquids. Is it okay? Solids and liquids. Is very small or negligible. मैं वेरी स्मॉल क्या है इट्स नेग्लिजिबली स्मॉल. ठीक है. फॉर गैसेस डेल्टा पीवी इज सिग्निफिकेंट और इसमें भी ये होता है कि अगर गैस आइडियल है इफ गैस इज आइडियल डेल्टा पी इंटू वी विल बी सेम एज डेल्टा एन आर टी. इज इट ओके.
डेल्टा इफ गैसेस गैसेस आर नॉट ऑल आइडियल इफ गैसेस आर नॉट आइडियल दैट इज दे आर रियल द डेल्टा पी वी विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली ठीक है दिस विल कम फ्रॉम NRT see P plus A by V square into V minus B RT ऐसा होता है या N रहता है यहां पर तो यहां पर भी N और यहां पर N square इस तरह का relationship रहता है इसमें से P को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर V को कॉमन निकाल लेते हैं तो पी वी विल कम हियर और या फिर थोड़ा सा इसको हमें अल्टर करना होगा मॉडिफाई करना पड़ता है एन आर टी बाय वी माइनस एन बी एंड प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर ये P के लिए सॉरी माइनस ये P के लिए टर्म होता है P को यहाँ पर रखेंगे एंड V से मल्टीप्लाई करते हैं तो V से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन बी बाई वी सो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं बट अब इसमें हमको सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करना होता है सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर गैसेस नॉन आइडियल या रियल होते हैं तो द प्रोसेस विल बिकम स्लाइटली मोर complicated however the basic step is going to be the same equate hum isi cheez ko karte hain acha dusri cheez ye real gases wale jo hain part is tarah ke calculation mein that is not in our domain as of now ye hamare syllabus ka part nahi hai just maine bata diya aapko ki इन केस कभी सिंप्लीफाइड मैनर में जैसे सिंप्लीफाइड मैनर में क्यों बोल रहा हूं आइडियल गैस अगर पूछना होगा ना सॉरी रियल गैस अगर पूछना होगा ना ए बाय वी स्क्वायर टर्म को जनरली ये लोग जीरो इक्वेट करा लेंगे एंड तब ये जो इक्वेशन बनता है ना ये रिलेटिवली बेटर सॉल्वेबल हो जाता है मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाता है एंड देन वी कैन सॉल्व दिस ठीक है सो बट जितना भी जेनरिक फॉर्मेट में हो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉब्लम फॉर अस वी हैव टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल अब ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली एडवांस में ही पूछे जा सकते हैं और कहीं पूछे नहीं जाएंगे ठीक है सो अदर्स डू नॉट हैव टू वरी मच एडवांस के लिए सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है द बेसिक रूल इज गोइंग टू बी दिस ओनली What we have to do is we have to do it slightly differently if it is going to be ideal gas and if it is going to be real gas we have to do it slightly differently thoda different ho jayega p ke liye expression yahan par isko agar break karenge to this will become delta p v delta p plus p delta v और यहाँ पर P के लिए एक्सप्रेशन रख देंगे यहाँ पर V के लिए एक्सप्रेशन रख देंगे एंड दिस विल बिकम डेल्टा एन आर टी अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर चीजें डिपेंड करेंगी और इधर वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे हम एक तरफ में एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट ठीक है अभी के लिए सिर्फ आइडियल गैस के लिए मैं सिनेरियोस डिस्कस कर रहा हूं फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इनटू आरटी प्लस एन आर डेल्टा टी ठीक है अब इसमें भी थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस होते हैं जनरली कहीं पर भी आपको मिलेगा ना तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिलेट करने के लिए मिलेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट यू विल नॉट गेट कि डेल्टा यू और अगर मिलता भी है तो उसको हैंडल हम दूसरे तरीके से करते हैं ठीक है आई विल लेट यू नो वो भी अगले वाले लॉ में किरचॉफ्स लॉ में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू सो अगर
मुझे डेल्टा एच एट सम टेम्परेचर समझो 350 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन इसको यूज करके जनरली हम डेल्टा यू एट 350 केल्विन ही कैलकुलेट करते हैं इसको यूज करके, ठीक है। दैट मींस वी प्राइमरली यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेल्टा और रिलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द मोमेंट वी मेक इट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इम्प्लाइज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो एंड दस डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू दस डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। हियर डेल्टा एन इज इक्वल टू इट्स एक्चुअली डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस moles from reactant to product, reactant to product, ठीक है। मतलब this means number of gaseous moles in product माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टिंग, इज इट ओके? ये बात क्लियर है? एंड इट इज गैसियस मोल्स, दैट इज की। Gaseous moles मतलब we are going to consider only the gaseous molecules which are being produced. For example, यहाँ पर methane is gas, oxygen is gas, carbon dioxide is gas, but H2O is liquid. अगर इसके भी moles को करेंगे तो right side में तीन moles बनते हैं और left side में भी तीन moles हैं, तो 3 - 3 zero हो जाएगा, but इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन या डेल्टा एनजी इसको बोलते हैं हम लोग, कॉल इट डेल्टा एनजी एनजी सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 - 3, that is equal to -2. Am I clear? Is it okay for all? Yes. Yes. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा है, if डेल्टा एन जी for a reaction is 0 implies delta H will be equal to delta U for that reaction. That reaction at any temperature. Is it okay? Yes, sir. Very good. Can we attempt a few problems based on it so that just one or two and then kuch aur problem next wala law batane ke baad kar. Theek hai? Yes. Just a second. Just a second.
पासवर्क फाइल ओपन कर लो। Yes, sir. For 42, the answer is going to be basically इसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि which will have internal energy change greater than its enthalpy change, मतलब delta H should be greater than delta U, और होता क्या है relationship, delta H is equal to delta U plus delta NgRT, ठीक है, जिसका एनजी निगेटिव होगा, ठीक है, उन सब के लिए डेल्टा एच इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन डेल्टा यू, और डेल्टा एनजी निगेटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट साइड में मोल्स जो हैं, गैसियस मोल्स आर गोइंग टू बी लेसर देन रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स, यहाँ पर गैसियस मोल्स 7.5 हो रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में 4 ही रह रहा है, 4 माइनस 7.5 इज माइनस 3.5, दिस इज नेगेटिव, बाकियों का चेक कर लेते हैं, ये सॉलिड है, दिस विल नॉट बी काउंटेड, दिस इज 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर ये नहीं काउंट होगा क्योंकि लिक्विड है, सो यहाँ पर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस केस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो रहा है, यहाँ पर it's 1 minus 0 that is 1, यहाँ के लिए delta H is going to be greater than delta U, यहाँ पर 2 है and 3 है, यहाँ पर भी it's 3 minus 2 that is 1, it's going to be delta H greater than delta U, ठीक है, so for us the answer is going to be A. Next problem में we have to like heat of formation of NH3 at 298 and constant pressure is given to be this much. Calculate heat of formation of NH3 at this 390. Oh, I'm sorry. मेरे ख्याल से मैंने like read नहीं किया question. This can be done by you only if after the second part. Actually, इसमें 398 दिया रहता ना, तो दोनों 398 पर करना होता, then you could have done. Okay, now I understand your problem. मैंने read नहीं किया properly. It's अगर 298 पर मुझे relate करना है ना delta H and delta U को, तो see the reaction is like this. Formation reaction into gas plus 3H2 gas, it's going to give me 2NH3, ठीक है, 1 मोल के लिए अगर करते हैं तो this will become half N2 gas plus 3/2H2 gas giving us NH3 gas, ठीक है, अब इसका अगर 298 पर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच एट 298 एंड डेल्टा यू एट 298 अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डेल्टा एन जी आर टी, और अच्छा यहाँ पर ये हमने किया कि इसका 1 मोल जब प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन एनर्जी 1 मोल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इट्स पर मोल, तो अगर इस वाले फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा यू जो आएगा दैट विल बी फॉर 2 मोल्स ऑफ, एंड यहाँ पे एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
आर वी गेटिंग दिस? अगर नहीं तो दो मिनट में सारे कैलकुलेट करके वैल्यूज दिखा देता हूँ, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सी, पहले इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. डेल्टा एच 298 इज इक्वल टू डेल्टा यू 298 प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन के लिए, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 2 माइनस 1. ठीक है, डेल्टा यू 298 माइनस R into T is equal to delta H 298 and delta U 298 is equal to delta H 298 delta H 298 plus RT. ठीक है, this is equal to, ये दिया हुआ है minus 11 kilo calorie, that means 11,000 calorie per mole. और इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे आर एंड टी. आर इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 298 दैट इज 596 कैलोरी. सो प्लस 596 कैलोरी. सी, आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, राइट? And temperature is 298, so this is becoming this much. और इसको solve करेंगे हम लोग तो it will become minus 10,404 calorie per mole, या फिर minus 10.4 kilo calorie per mole. ठीक है, this is our delta U for the reaction at 298 calorie. Is it okay? Also, अब इस इक्वेशन ये नोट कर लो, दिस इज वॉट डिमांडेड एंड ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अगर मान लो गलती से हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं तो वट वुड बी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड इज वॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ये नोट हो गया. ओके, अगर ये रिएक्शन लेते हैं हम तो डेल्टा एन जी क्या हो जाता है हमारा 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2. ठीक है, बट दिस इज फॉर 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएच3, नॉट 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएच3. ठीक है, डेल्टा एच 298 इक्वेशन हम उसी तरीके से लिखते हैं बट वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है हमारी. ठीक है, क्या चेंज होती है? तो यहां पर हम लोग 2 मोल्स का डेल्टा एच लिखते हैं. 2 मोल्स का डेल्टा एच वुड हैव बिकम माइनस 22000 एंड डेल्टा यू 298 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 298. ठीक है, अब ये डेल्टा यू 298 जो आया दिस इज आल्सो डेल्टा यू फॉर 2 moles of NH3 formation. ठीक है, not for 1 mole. Are we getting this point? And this will be equal to minus 22000 plus, ये minus है, इधर आकर के plus हो जाएगा, 22 जा 4 into 498
That is 2 × 596. Or -22000 plus 1192 हो जाएगा. एंड वंस वी आर गोइंग टू डील विद इट 08 दिस में से नो एट में से एक गया जीरो बिकम्स टू. सो नाइन माइनस वन इज एट. ये 20808 होएगा, नॉट 908. वो मैं कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर करने में I made a mistake. So this much calorie that is equal to again -20.8 kilocalories. And this is for obviously 2 moles of NH3. So हम यहां से calculate कर रहे हैं तो हमको जो final information मिल रहा है that is for 2 moles. और एक मोल के लिए निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2, दैट इज -10.4 किलो कैल पर मोल, राइट? एंड देन द आंसर्स आर गोइंग टू कम एग्जैक्टली सेम. बट मेनी अ टाइम्स अगर हम इस पाथवे से जाते हैं तो हम लोग ये डिवीजन करना भूल जाते हैं, वी टेंड टू मार्क समथिंग रॉन्ग. ठीक है, सो इट इज बेटर और लाइक advised कि आप इस वाले रास्ते से जाएं, so that chances of making mistakes become lesser and lesser. ठीक है, यहाँ पर हमको डेल्टा एनजी फॉर 1 mole ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर हमको डेल्टा एनजी फॉर 2 moles ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, कैलकुलेशन हमको किस चीज के लिए करना है, फॉर 1 mole. इसका सेकेंड पार्ट जो है ना 398 पर क्या होगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस After some time. अब मुझे मैं एक कॉन्सेप्ट और पहले पढ़ा लेता हूँ, then I'll be discussing this, the second part of it. So Kirchhoff's law is there to relate the delta H of a reaction at 2 different temperatures. Delta H of a reaction at 2 different temperatures or delta U of a reaction at 2 different temperatures. Okay. And the relationship looks simply like this. Delta H T2 minus delta H T1 is equal to summation of Cp of all the products, summation of Cp of all the products minus summation of Cp of react all the reactants. अच्छा, यहाँ पर summation के time पर ना we also take respective number of moles. ठीक है, similarly यहाँ पर भी stoichiometric number of moles जो होते हैं उनको हम लोग consider करते हैं. I'm again saying it's stoichiometric. ठीक है ना, मैं बताता हूं. Then that the difference is multiplied by T2 minus T1 and इसको differential form में it is simply depicted by this delta H T2 minus delta H T1 is D of delta H. Differential delta H is equal to change Cp between reactant and into differential temperature, differential rise in temperature. ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अगर मान लो मैं
कार्बन ग्रेफाइट को बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड इट इज प्रोड्यूसिंग से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और मे बी आई एम रिएक्टिंग और बर्निंग मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग मीथेन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है नाउ एट सपोज 400 केल्विन मुझे इस रिएक्शन का फॉर्मेशन एनर्जी पता करना है और हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है या हमको जो पता रहेगा वो शायद 298 का इंफॉर्मेशन रहेगा. ठीक है तो 298 वाले से 400 केल्विन या 300 केल्विन से 400 केल्विन का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे इज गिवन बाय दिस. ये अननोन रहेगा ये नोन रहेगा. सीपी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो किसी ना किसी फॉर्म में या तो दिया रहेगा या फिर हमको नोन रहेगा. ठीक है आइदर यू विल बी नोइंग इट. क्यों नोइंग इट बोल रहा हूं मैं, मान लो जैसे कार्बन सॉलिड है तो उसका दे दिया रहेगा ऑक्सीजन गैस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है. ठीक है इसका इंफॉर्मेशन मे बी आपको ना दिया रहे बट स्टिल यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल. ठीक है तो उसका सीपी और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का सीपी सेम रहता है तो वहां से हम उन दोनों का सीपी निकाल लेंगे. इज इट ओके. अगर CO2 के बदले मान लो SO2 रहता तो दैट इज अ बेंट मॉलिक्यूल तो उसका सीपी हम लोगों को अलग से पता रहता. मतलब वी नो दोज थिंग्स डायटॉमिक का ट्राइटॉमिक लीनियर का ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर का पॉलीएटॉमिक का इनका सीपी क्या होता है दैट टेबल वी ऑलरेडी नो ना. यस सर राइट. सिमिलरली सीवी की वैल्यूज भी हमको पता है सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दीज एंड फाइंड द आंसर. ठीक है अभी सेम क्वेश्चन को जो अमोनिया वाला क्वेश्चन था ना अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहा था. नाउ आई वुड लाइक यू गाइस टू सॉल्व इट. ठीक है नाउ यू नो या फिर मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ देन वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. So, what we have is delta H formation of NH3 at 298 Kelvin that is being given to us as minus 11 kilocalorie per mole. And what we need to find out is heat of formation. Heat of formation of ammonia at 398 Kelvin. So I need to find delta H formation of ammonia at 398 Kelvin. This is first thing I need to find. And the second thing which is being asked is what are the corresponding values at constant volume? So delta U formation of NH3 at 298 Kelvin is something जो कि हमको find करना है और delta U of formation NH3 at 398 Kelvin भी हम लोगों को find out करना है. ठीक है now ये वाला part हम already हम लोग solve कर चुके हैं isn't it.
ये वाला रिलेशनशिप हमने देख लिया है ना। हेलो यस सर, लास्ट टाइम मैंने अभी सॉल्व करा है ना, तो ये वाला तो हमने रिलेशनशिप देखा कैसे होता है, n2 गैस हाफ प्लस 3 बाई 2 एच टू गैस इज इक्वल टू NH3 गैस। इसका डेल्टा एच नॉट ये है आप हमारे पास, और इससे हम लोगों ने ये वाला रिलेशनशिप निकाला डेल्टा यू, डेल्टा यू फॉर्मेशन एन एच थ्री एट 298 इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन एन एच थ्री एट 298 माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अब डेल्टा एन जी जो है वो हमारा क्या है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू माइनस वन, इट्स वन माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन, सो दिस विल बिकम डेल्टा एच एफ एन एच थ्री 298 प्लस आर टी। सो एंड वी हैव सॉल्वड इट टू गेट माइनस 10.4 किलो कैल पर मोल, सो दैट इज डन। नाउ वी हैव टू रिलेट और टू फाइंड अ इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वन एंड देन दिस वन। ठीक है, सो डेल्टा एच एट 398 और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री एट 398 केल्विन कैन सिंपली बी रिलेटेड एज डेल्टा एच फॉर्मेशन एन एच थ्री एट 298 केल्विन प्लस सीपी ऑफ NICP of product, ठीक है, minus summation NICP of reactant multiplied by T2 minus T1. Is it okay? Now this is minus 11,000 plus, ये डेल्टा एन सी पी जो है इसको यहाँ पर अगर रिएक्शन से हम लोग देखें तो इट इज गोइंग टू बी सी पी ऑफ अमोनिया। ठीक है, सी पी ऑफ अमोनिया, और ये है कितना मोल्स, एक ही मोल है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक से ज्यादा होता तो यहाँ पर उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 by 2 into Cp of H2 plus half into Cp of N2. Is it okay? And then multiplied by 398 divided minus 298. So this will become 1100 plus Cp of NH3 kya hota hai? It is a polyatomic molecule. So Cp is going to be 4R. Isn't it? Yes, sir. So it will be 4R into 1 minus 3 by 2 Cp of H2. H2 is diatomic and Cp is going to be 7 by 2. 7R by 2. ठीक है? Into 3 by 2, that will make it 3 by 2 into 7R by 2 plus 1 by 2 into
This is again diatomic, so it is going to be again 7R by 2. ठीक है? Into 100. This can further be solved to minus 100 plus 4R. And these things are going to add up to 21 plus 7, 28 by 4. That is 4R minus 7R. ठीक है? Into 100. This is 3R. 3R means 6 actually हो जाता है. So minus 1100 minus 600, that is minus 11600 calorie per mole, which is also equal to minus 11.6 kilocal per mole. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Similarly, delta U of NH3 at 398 will be equal to delta U of NH3 at 298 plus CV product minus summation CV reactant into T2 minus T1. Now, ये value हमने calculate करी थी minus 10.4 या 10404 plus this is going to be again how much? CV is 3R for NH3. ठीक है ना? या फिर चाहिए तो ये लिख लेते हैं 1 into CV of NH3 minus 1 by 2 CV of H2 plus 3 by 2 CV of N2. तो उल्टा लिख दिया. Half into N2 plus 3 by 2 into H2. It doesn't matter much. But likhne ke time par we will keep this thing in mind. जिसका मोल्स है उसी के साथ लिखेंगे. 398 minus 298. Numerically that is not going to change our dynamics. ये दोनों की वैल्यू सेम है. Plus, this is going to be half into 5R by 2 plus 3 by 2 into 5R by 2 into 100 minus 10404 plus this is 5R by 2 and this is 15, that is total is 20R by 2, that is 5R. So 3R minus 5R into 100, that is equal to minus 10404 minus 2R, that is 4 into 100, 400 basically ho jayega, minus 400. So this is going to be minus 10804 calorie or minus 10.2.
हाँ ऑब्वियसली एन टू होगा, गलती से एन एच टू लिख दिया है, एन एच टू तो कुछ होगा ही नहीं ना, फिर से गलती कर रहा था। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली एन एच एन टू। ज़ूम आउट कीजिए। हेलो, आर वी डन? यस सर। नोट कर लिया हम लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर।
Can we attempt this question? 64. इनफैक्ट एक काम करता हूँ, रुकता हूँ, क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों ना? यस सर।
-136 आया. ओके लेट मी चेक. और ये चार पांच क्वेश्चन करेंगे हम लोग एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक फॉर टुडे. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ पर हमको तीन चार इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं एंड सॉल्व करने के लिए ना मैं इन लोगों को थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग. आई विल ब्रिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. Standard enthalpy of combustion of C2H4, C2H6 and H2 are given. ठीक है. Combustion दिया हुआ है इसका मतलब C2H4 गैस को O2 के प्रेजेंस में completely burn करते हैं. That is CO2 gas and H2O liquid produce हो जाता है. 2 moles and this is also 2 moles. This becomes 3. इस प्रोसेस का डेल्टा एच जो है दिस इज इक्वल टू -14108 किलो जूल पर मोल. ठीक है. सिमिलरली C2H6 का कंबशन एनर्जी इज 2CO2 गैस प्लस यहाँ पर O2 अभी नहीं लिखा मैंने, इसको बैलेंस कर लूँ फिर लिखूंगा. 3O2 लिक्विड एंड 4 + 3 = 3.5 O2 डेल्टा एच इज इक्वल टू -1559.8 किलो जूल पर मोल. आखिरी वन इज H2 गैस प्लस 0.5 O2 गिविंग मी H2O लिक्विड एंड दिस इज डेल्टा एच -285.9 किलो जूल पर मोल. नाउ मुझे हाइड्रोजिनेशन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन. तो पहले तो वो एंथैल्पी निकालेंगे, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी निकाल सकते हैं. एक्चुअली कांस्टेंट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस
we are being asked to calculate the delta U of the reaction. Enthalpy at constant volume is, in fact, it should have been heat change of hydrogenation at constant volume, that is delta U, or enthalpy, it should have been heat change. I have wrongly used word enthalpy. It should have been heat change during hydrogenation of this at constant volume at 298 Kelvin. Okay. I'll correct this one, the statement. Fine. करना कैसे है? तो basically enthalpies हमको दिया हुआ है इन सारे processes का, तो इससे हम enthalpy of hydrogenation, hydrogenation का क्या है process? C2H4 gas plus H2 gas gives us C2H6 gas, ठीक है? और इसका delta H हमको निकालना है. Now 1, 2, and 3 को हम लोग कैसे arrange करें so that we can get a reaction 4. So it is very clear that if I put 1 and 2 the way it is, and if I reverse this one, ठीक है? If I reverse this one, what I am going to get is this equation. So equation 4 is equal to equation 1 plus equation 3 minus equation 2. Is it okay? And therefore delta H is going to be delta H 1, 2, 3. So 1 plus delta H 3 minus delta H 2. This will be equal to minus 1410.8 minus 285.9 minus minus 159.8. This is going to be 136.9 किलोजूल पर मोल, ठीक है? ये हुआ मेरा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. नाउ द सेकंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन एट सेम 298 केल्विन, ठीक है? This will be equal to delta H of the reaction at 298 plus, sorry, not plus, minus delta NgRT, right? That is minus 136.900 minus delta Ng kya hai is reaction ka? It's again going to be minus 1. So we'll put minus 1. R is equal to 8.314 into 298, and we just add them all. Isko kar lenge to ye minus 136900 plus 0.8. It's fine.
So it is going to be 2477.6, and the final answer is going to be -134.42 kilojoules per mole. Is it okay? Yes, sir. ठीक है, ये बात समझ में आई सारे लोगों को? ये वर्ड्स मैं करेक्ट कर देता हूँ. एक्चुअली ये करेक्ट करना है, मैं कर दूंगा. आफ्टर इट इट शुड बी, यहाँ पर द वर्डिंग शुड बी, इंस्टेड ऑफ एन्थैल्पी इट शुड हैव बीन व्हाट इज द हीट चेंज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम and 298 at constant volume and 298 Kelvin. फिर at यहां पर भी यूज कर सकते हैं 298 Kelvin. नोट कर लिया ये हम लोगों ने. सी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है पता है हम लोगों को? अच्छा, दिया हुआ है इनका, मैंने दे रखा है मैंने. अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड पर ग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है विच इज हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. दैट वी कैन कंपेयर वेरी इजीली, इजंट इट? पहले वाले का हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? दिस डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, राइट? -121 किलो जूल. इसके लिए मीथेन के लिए क्या हो जाएगा? इट शुड बी -890/16. एक्चुअली ये नेगेटिव साइन को हटा देते हैं. नेगेटिव साइन सिंपली बाहर निकलने का इंडिकेटर होता है यहाँ पर. सो नेगेटिव साइन को हटा के कंपेयर कर लेते हैं. दिस इज -121 फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, मीथेन के लिए इट्स गोइंग टू बी दिस वन अराउंड 55 किलो जूल्स. फॉर इथीन क्या होगा? C2H4 के लिए इट्स गोइंग टू बी -1411 डिवाइडेड बाय मास क्या है इसका? 24 + 4 = 28 है. सो 28, दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 50. बोरॉन The last one to be compared, ये कहीं और से आ गया है वैल्यू. या फिर अगर हम ये सोचें कि सारे लिक्विड गैस, लिक्विड जो है H2O लिक्विड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एंड नेट थिंग विल बी द बाकी जो हीट बचेगा दैट इज समथिंग विच इज बीइंग और कमिंग टू अस एज अ यूजेबल थिंग.
एनीवे सारे में H2O जो है वो बराबर बराबर है, ठीक है. सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस एज फार एज दीज थ्री आर कंसर्न. यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस मच इज कमिंग फ्रॉम टू बोरॉन. बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन इज जनरली 11, ठीक है. सो फॉर बोरॉन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2368 डिवाइडेड बाय 22. सो इट्स गोइंग टू बी 105 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल. This is 121 kilojoule. This is 55 kilojoule, 50 kilojoule, and this is 105 kilojoule per mole. Right? Yes, sir. Now see, यहां पर अगर सिर्फ इनके मतलब लिक्विड स्टेट के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन इज हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. ये लिक्विड में अगर इवॉल्व होता है तो रियलिटी क्या होती है कि दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एंड बाकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, ठीक है. कि कभी भी हीट रिलीज होगा बर्निंग से तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट जो होते हैं जो रिलीज के बाद या बर्निंग के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस एंड द रिमेनिंग एनर्जी विल इवॉल्व आउट, ठीक है, टू द एटमॉस्फेयर और टू द सराउंडिंग. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर हम इन वैल्यूज को रिकैलिब्रेट करते हैं तो दिस विल सिंपली बिकम -484 +88. दो मोल को कन्वर्ट करना है तो +88 हो जाएगा. द नेट थिंग इज गोइंग टू बी -396 किलो जूल. दिस डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी सॉरी डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू बी -396 बाय 4 विल बिकम 99 किलो जूल पर मोल. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो H2 का नेट जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा दैट विल बी 99 किलो जूल रादर देन 121. दिस इज एक्चुअली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज नेट कैलोरीफिक वैल्यू. वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट. ये हमको मिल रहा है मतलब एक्चुअली इस रिएक्शन से ये प्रोड्यूस हो रहा है बट रियलिटी में हमको या सराउंडिंग को जो मिलता है वो ये वाला अमाउंट होता है, ठीक है. और जो सराउंडिंग को एनर्जी जाता है ना दैट इज व्हाट कैलोरीफिक वैल्यू इज. इज इट ओके? इस केस में बेसिकली ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है विच इज लाइक सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो गैस बन रहा है, ठीक है. तो इस रिएक्शन के लिए इट इज गोइंग टू बी 2368 डिवाइडेड बाय 22 ही होकर के रह जाएगा एंड कैलोरीफिक वैल्यू नहीं this is 107.6 and see इसी तरीके से ये सेकेंड वाले को मॉडिफाई कर लेंगे तो इट विल बिकम -890 +88 इज इक्वल टू -802 किलो जूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन जो होगा दैट विल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन विल बी सॉरी 802 डिवाइडेड बाय 16 approximately 50 kilojoule. C2H4 के लिए calorific value
-1411 +88 multiplied by -1 divided by 28. This will become 47.25 kilojoule per gram. So clearly the winner is going to be boron. Boron is the one which is going to have highest calorific value. Boron is the thing which is going to have highest calorific value among all these. ठीक है? नेट लेवल पर अगर देख रहे हैं तो अगर नेट लेवल पर नहीं देख रहे हैं नेट लेवल पर नहीं देख रहे हैं तो दिस थिंग इज हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, जनरली हाइड्रोजन का ही सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू माना जाता है, बट दैट इज जस्ट बिकॉज व्हेन वी डू नॉट कंसीडर ये वाला पार्ट H2O लिक्विड को H2O गैस कन्वर्सन जो है, इफ वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस देन हाइड्रोजन that is at absolute level hydrogen has highest calorific value. However, at net level matlab if I am going to account for liquid to gas conversion and then going to calculate the calorific value for other substance especially like boron is going to be greater than this one. Even hydrazine ke liye isse better ho jata hai. Theek hai, are we getting this point? Yes sir. ठीक है, यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन गिवन दीज इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो पहला वाला रिएक्शन सेट करने के लिए, ये वाला रिएक्शन सेट करने के लिए, इफ आई कॉल इट दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव, हाउ आर वी गोइंग टू राइट? Final equation is equal to ये क्या बनना है हमको? FeO बनना है, right? FeO solid, this one. ठीक है, right now? And उसमें add क्या होना है? This has to be added, right? That means I have to somehow put this equation in forward direction and I'll have to reverse this one and add them together such that LHS is prepared. ठीक है, is it okay? Further, यहां पर अगर इस रिएक्शन को फिफ्थ वाले को देखते हैं तो सी, पहले इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन फोर करते हैं, इक्वेशन फोर, और ऑब्वियसली स्टोइकोमेट्री को भी यहां पर ध्यान में रखेंगे, बट स्टोइकोमेट्री पार्ट पे मैं बाद में आऊंगा. पहले हमें इक्वेशन का रोड मैप प्रिपेयर करना होता है. सो टू माइनस फोर क्या हो जाएगा? 2FeO solid plus 0.5O2 plus H plus aqueous, that is going to give me Fe2O3 solid plus 0.5H2 gas. हमको यहां पर क्या चाहिए? I need this one. Yes, I need this one. ठीक है,
this is not required, so this has to go somehow. अब how is it going to go? और हमारे पास दूसरे साइड में क्या है, ना तो इसको हमको रखना है ना ही इसको रखना है. There are something else which is going to come. Now, इसको रिप्लेस करने के लिए how can we replace it? So we can see that equation one है हमारे पास जिसमें right side Fe2O3 आ रहा है. ठीक है, सेकेंड वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वाले से ही तो ये प्रोड्यूस होकर के आया है. तो अब अगर इसको एग्जॉस्ट करना है मुझे तो आई कैन यूज फर्स्ट वन. तो फर्स्ट वन को भी हम रिवर्स करके इक्वेशन माइनस इक्वेशन वन कर लेंगे. माइनस इक्वेशन वन करते हैं तो इट विल बिकम लेफ्ट साइड में प्लस Fe2O3 सॉलिड एंड राइट साइड में इट विल बिकम प्लस 2 Fe सॉलिड एंड प्लस 1.5 O2. ठीक है, इज इट ओके यहां तक? यस सर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ओके, इधर हमारे पास H2 गैस है. ठीक है, एंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या मैंने? H प्लस एक्वस, आई थिंक इक्वेशन 4 को मैंने रॉन्गली यूज कर लिया है. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 रखते हैं. दिस हैज बीन रॉन्गली यूज्ड. इक्वेशन 4 को यूज करेंगे हम लोग सबसे आखिरी में. ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से हमारे पास ये सिनेरियो आ गया है. अभी तक का ये सिनेरियो आया है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू लुक इनटू व्हाट आई नीड इज H2O on the right hand side. H2O चूंकि right hand side पर मुझे चाहिए, that means equation 3 को मैं as it is add कर लूंगा इसके अंदर में. So I'll add equation 3 into it. 2 minus 1 and plus 3. Third वाले को use करूंगा, so I'm going to add H2 gas and half O2 again. And this is going to produce me H2O. Okay. Fine. Ab next thing jo hai, that is production of this one. Okay. This has to be accommodated. Aur isko accommodate karna hai. So equation 5 ko bhi mujhe as it is add karna hoga. Is it right? Such that ये यहाँ पर left hand side में है, ये यहाँ पर भी left hand side में रहे. So this net equation is going to come from, और बाकी इसको as a supplementary equation use करेंगे हम. I'll show you. So basically हमको ये equation जो है ऊपर वाला, that can come from arranging 2 plus 3 plus 5 minus 1. अब इसमें स्टोशियोमेट्री किसकी क्या रहनी है, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू लुक एट. आई एम गोइंग टू शो टू यू गाइस. ठीक है, बट बेस इक्वेशन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस ओनली. और ये वाला टास्क आप बेसिकली रफ वर्क में इस तरीके से कर सकते हो, कौन सा लेफ्ट साइड में है कौन सा राइट साइड में है उसके हिसाब से इक्वेशंस को अलाइन करना, या फिर ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो. Are you getting this point? Yes, sir. So, मेरे पास equation आया equation 2 plus equation 3 plus equation 5
minus equation one. अब इक्वेशन टू में FeO का जो हमारा ये है दैट इज ट्वाइस, इससे एक मोल Fe2O3 हो रहा है प्रोड्यूस, इसको रिवर्स कर रहे हैं तो 2 Fe हमको मिल रहा है, ठीक है। एंड तो एंड यहाँ पर H2O एक ही H2O चाहिए, FeO मेरे पास एक है, हो गया। What I'm going to do is, बाकी सब चीजें ठीक ठाक लग रही हैं, इक्वेशन 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो माय प्रॉब्लम इज मोस्टली गोइंग टू गेट सॉर्टेड एंड आई विल जस्ट हैव अ चेक ओवर इट, इस इक्वेशन के वैल्यूज को लिख करके, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 2 मुझे लिखना है, दैट इज 2 FeO सॉलिड प्लस 0.5O2। एक सेकेंड, हेलो, थैंक्स। सो इस के हिसाब से चीजों को मैंने लिख दिया, जहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, नहीं यहाँ पे नहीं हुआ है, ये एरर हो जाता है, दिस शुड हैव बीन 4 एंड दिस शुड हैव बीन 2, ठीक है। तो अभी 2 से यहाँ पर हमें लगा स्टोशियोमेट्रिकली मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो हमने कर लिया, बाकियों में स्टोशियोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अब लेट अस स्टार्ट कैंसिलिंग द थिंग, अगर मैं ऐड करके सारी चीजों को लिखता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दिस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और H2 और H2 के बाद एक H2 बचा रहेगा, ठीक है। इधर ये दोनों कैंसिल हो करके, ये कैंसिल हो करके ये एक H2 बचा रहेगा, इधर H2O है, हाफ O2 एंड हाफ O2, दो हाफ O2 हो गए, दैट इज 1 O2, इधर 1.5 है यार, ये इक्वेशन बैलेंस है ना, तो बैलेंस सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेकेंड कर दो,
O2 was giving H2O. So 2H2 plus O2 is going to give us 2H2O. And abhi add karenge to half O2 and 1 O2 is 1.5 O2. So this will get cancelled. Iron se iron cancel ho jayega. Fe2O3, Fe2O3 will get cancelled. Ye hydrogen, hydrogen cancel ho jayega. So net things which we are going to get is isko 2FeO ho jayega and this 4H plus will remain, 2Fe2 plus will remain and 2H2O will remain. Actually, yahan par H2O hi bach raha tha sir. And mujhe sab mein se 2 common lena hai such that mera equation 1 aaye. Theek hai? So agar yahan par 2 ko common liya maine and then mera equation aa raha hai, net wala equation, that means ye final equation jo mera hoga wo kis tarah ka dikhna chahiye, that should be equal to half into equation 2 plus equation 3 plus equation 5 minus equation 1. Are we getting this point? Yes, sir. ठीक है, and accordingly हमारा delta H भी रहेगा. So इस reaction का delta H जो होगा, that is going to be equal to half into delta H 2 plus delta H 3, half into delta H 2 plus delta H 3 plus delta H 5. Minus delta H 3, that is equal to half into this plus this, that is 570.1 plus delta H 5, minus sign rahega, plus delta H 5, that is minus 86.2 minus twice of equation 1. अरे सॉरी 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 मैं गड़बड़ कर लिया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड वाले इक्वेशन को डबल करना था. दिस इज इक्वेशन थर्ड. मैंने ये गलत लिख दिया, 2 को गलत जगह पे प्लेस कर दिया. इट्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2, रादर इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड. सो और सारे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल रहा है. तो हाफ ऑफ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5 माइनस हाफ ऑफ इक्वेशन 1. Half of delta H1, sorry, delta H2 plus delta H3 plus delta H5 minus half of delta H1. Half of delta H2 is minus 142.05 plus delta H3 is this, minus 286.0 plus delta H5 is this one, minus 86.2, and then minus half of this, minus half of minus 822.2, that is these
degree being added, they are going to give 0.25. 6, 12, 4, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. And this is plus 411.1. That is 0.15. 3 and 0 and 1. So the final thing is going to be the delta H of this reaction is going to be equal to minus 103.15. ठीक है, करने का की क्या है, we should arrange these equations in such a manner that you have this thing in reactant side and this thing in product side. Instead of like पहले ये करने के मैं डायरेक्टली ऐसे ही चलता, ये मेरे रिएक्टेंट में हो, ये मेरे रिएक्टेंट में हो, ये रिएक्टेंट में हो, ये सॉरी ये प्रोडक्ट में हो, ये प्रोडक्ट में हो, तो ये हमको रिएक्टेंट में इक्वेशन टू का हाफ लिखेंगे तो मिलेगा, राइट? इक्वेशन टू का हाफ इसमें ऐड क्या करूं, डेल्टा एच प्लस मुझे चाहिए, टू डेल्टा एच प्लस विच इज देयर, तो इक्वेशन फाइव को ऐड कर लिया, ठीक है, और फर्दर फाइव को ऐड करने के बाद टू हो गया, ये और ये इक्वेशन चाहिए मुझे ऑन द राइट हैंड साइड, तो नाउ आई सर्च फॉर इक्वेशन जिसमें एच टू राइट हैंड साइड में हो और एफ ई टू प्लस राइट हैंड साइड में हो, तो फिफ्थ वाले में द बोथ ऑफ देम आई एम गेटिंग, बट यहाँ से फर्स्ट वाले में आई एम गोइंग टू गेट इसका हाफ, अगर सॉरी इसका हाफ अगर मैं कर देता हूँ, इस इक्वेशन का भी हाफ हो गया, राइट? एंड बाय द वे यहाँ पर इक्वेशन थ्री को पहले मैं नोट कर देता हूँ, अब इसमें से मैं हाफ ऑफ इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सच दैट ये जो राइट साइड में फॉर्म हुआ वो इस साइड में लेफ्ट साइड में इसके आने की वजह से कैंसिल हो जाए, ठीक है? तो ये इक्वेशन मैं इस तरीके से भी बना सकता था, या इस तरीके से आप बना सकते हो, दिस कुड बी इजियर। कुछ चीजें रहेंगी जिसके ऊपर हमको ध्यान देते रहना होगा, कुछ चीज मिस तो नहीं कर रहा है, या फाइनली जिस रेशियो में हमको ये चाहिए उसी रेशियो में इस इक्वेशन को लिखने के बाद और सारी चीजें ऐड करने के बाद प्रोडक्ट्स उसी रेशियो में या रिएक्टेंट्स उसी रेशियो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू कीप चेकिंग व्हाइल सॉल्विंग। और ये जो सिस्टम या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर एक्चुअली, हाँ बोलो दीप, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यू आर गोइंग टू सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर ओनली, रीअरेंजिंग द इक्वेशंस, एंड यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ जो रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में चीजें आपको फाइनल में मिल रही हैं कि ना, नहीं, एक दो ट्रायल में, एंड सी ये चीजें प्रैक्टिस करके ही सीखोगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी ग्रिप बनती जाएगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है? ये भी है, दो चार क्वेश्चंस नहीं होंगे तो थोड़ा सा डाउन भी होता है ये कॉन्फिडेंस, बट इट्स लाइक मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द बेटर ग्रिप यू आर गोइंग टू हैव ओवर देम। लास्ट थिंग इज दिस वन, इसके अंदर में वी हैव डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथीन एंड बेंजीन, ठीक है? क्या क्या है? इथेन, इथीन एंड बेंजीन, एंड इससे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। सो इथेन एंड इथीन से बेसिकली हमको इक्वेशंस लिख देते हैं, सो कार्बन सॉलिड प्लस
3H2 gas gives me C2H6 gas, and iska delta H naught jo hai minus 283.9 kilojoule. ठीक है, 2 carbon solid plus 2H2 gas C2H4 gas ethane formation delta H naught is equal to minus 2275.2. Last one is benzene 6 plus 3H2 gas going to give me C6H6 gas, and delta H naught is equal to minus 5506 kilojoule per minute. And finally, एक और information दिया हुआ है, CH bond energy is CH bond energy 410.87 kilojoule, और 411 ले लें, 411 kilojoule per mole. और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हम दो चीजें कर सकते हैं. पहला, यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिला हुआ है फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन का, दिस इज आवर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है, दिस इज वॉट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दैट इज समथिंग विच आई नीड टू फाइंड आउट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इफ समहाउ आई एम एबल टू फाइंड दैट आउट कि हाँ हेलो, एक सेकेंड रुकिए, ये क्वेश्चन करा के बस खत्म करूंगा लेक्चर. आज के लिए यहीं पे खत्म हो.